हरदुखभंजन महाराजा वीर विक्रम की, सर्वसिद्धि प्रदायिनी महाकाली की। विधि के रचे इस विश्व में है तू गंगा का नीर, जीवन तेरा धन्य है। अरे विक्रम राजावी, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो प्रजापति, जुग जुग जियो। छोड़ दो मुझे कहता हूँ, छोड़ दो। महाराज की जय। महाराज, मैं स्वर्ग और पाताल के आर पार देख सकता हूँ। महाराज, आज तो स्वर्ग में देवों और दानों में युद्ध छिड़ा हुआ है। महाराज, आप मुझे आज्ञा दे दें तो अभी वहां जाके समाचार ले आऊं कि कौन जीता और कौन हारा। आज्ञा है। जय माता ताली, तेरा वजन न जाए। कौन है तू? मैं इनकी स्त्री हूँ, इनके बिना एक खड़ी भी नहीं जी सकूंगी। लखी लखी, महाराज ने मुझे आज्ञा दे दी है। आज्ञा? महाराज, तो ये आज्ञा वापस ले लीजिए, इनके ऊपर चले जाने भर की ही देर है। इनका कट्टर बैरी कांसुर मुझे उठा के ले जाएगा। महाराज, लखी की बात बिल्कुल सच है। मेरे राज में प्रजा को मेरा संरक्षण है। तो फिर महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब तक वापस नहीं आऊँ तहां तक आप मेरी लखी का रक्षण करेंगे। वचन है कि तेरी पत्नी तुझे वापस मिलेगी। जय हो, प्रजा पालक की जय। जय महाकाली। महाकाली माँ, जो मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो अग्नि प्रगटा के हमें भस्म कर दो। देव और दानवों के बीच युद्ध में देवों की विजय हुई, सत्य की जय हुई। लखी 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 लखी, महाराज मेरी लखी कहाँ है? ऊपर से हाथ पैर नीचे पड़ने लगे, इसमें तेरा कटा हुआ मस्तक भी आ पड़ा। इससे तुझे मरा हुआ जानकर तेरे मस्तक को लेकर लक्ष्मी सती हो गई। सती हो गई? मेरी लखी सती हो गई? महाराज महाराज, ये सब तो दानवों की माया थी। महाराज महाराज महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी लक्ष्मी को मुझे वापस देंगे। लाइए महाराज, महाराज मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दीजिए। महाराज मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दीजिए। मुझे बड़ा खेद है, पर तेरी पत्नी के बदले में तुझे धन दौलत
राज पाठ मेरे प्राण। नहीं महाराज नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। महाराज महाराज मेरे लक्ष्मी की एक इच्छा थी। बोलो 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 क्या इच्छा थी? के मैं साथ से आसन पर बैठू। आओ खुशी से बैठो। बंद कर अपनी बकवास। अरे लक्की तू धन्य है उज्जैन के कलाकारों और धन्य है तुम्हारी कला। महाराज विक्रम की आ गए। अच्छा आप तो सभी मटके बेच के आए। लाओ लाओ कितना लाए। मटके कहाँ से बेचूं? एक रास्ते की ढोर की हुर पेट में आ गया और सभी मटके फूट गए। फूट गए? अरे वो तो रास्ते का ढोर था, तुम तो आदमी हो, तुम्हें तो देख के चलना चाहिए था। अपना तो ठीक है पर ये नन्हे मुन्ने भूखे कैसे रहेंगे। लो ये नसीब में आखिरी टुकड़ा बचा है, तुम्हें खाओ। तुम सबने खा लिया? बापूजी माँ ने नहीं खाया। नहीं खाया? अरे राजा विक्रम का सदा व्रत चलता है, वहाँ ना तो तुम ही जाते हो ना मुझे ही जाने देते हो। पर काम करने वालों को दान मांगना शोभा नहीं देता। बिल्कुल सच कहते हो। 100 मटके राजमहल में पहुँचा देना। पर आप कौन है? हम राज के सेवक हैं। देखा ऊपर वाला भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। हो गया ना पंत, मैं तुमसे कब से कह रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो, पर औरत की जात मेरी सुने तब ना। सिंगार प्रचार करने से फुर्सत मिले तब तो। रहने दो रहने दो, अब मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो कब से तैयार थी हा? और तुम्हें अपने खाने से फुर्सत मिले तो ना। अरे तंग आ गया मैं तो। अब तो सुबह हो दरवाजा खुले तो उज्जैन पहुँच सकेंगे। उज्जैन बाद में, पहले हम तुम्हें स्वर्ग पहुँचाएंगे। चल गहने उतार, गहने उतार, उतार ये गहने। मेरे गहने? हाँ तेरे गहने, उतार गहने, नहीं तो तेरा सिर उतार लूंगा। महाराजा विक्रम के राज में ऐसी लूट? महाराजा विक्रम के साथ फिर समझ लूंगा। गहने बड़े सुंदर थे, तू भी सुंदर है, इसे मुझे सौंप दे नहीं तो। अत्याचार करता है, कौन है तू? बोलो उसके राज का रहवासी हूँ, काम में मिले तो लूट का धंधा करता हूँ। लूट के साथ लाज भी लूटने को तैयार हो गए? पहले बहन से माफी मांग। बहन बहन मुझे माफ कर दो। ले ले ये हार, ये बेच के कोई धंधा कर। मेहनत की रोटियां मीठी होती है, चोरी के धन से कभी शांति मिलती नहीं। चलो दरवाजा खुलने का समय हो गया है, मां महाकाली तुम्हारी रक्षा करे। जय महाकाली। जय जयकार, जय जयकार महाकाली माता की। जय जयकार।
महिषासुर मारो महिषासुर मारो सप्तमी की महिमा मा सप्तमी की महिमा मा गायत्री गायो ओम जय हो जय हो मां जगदम्बे ओम जय हो जय हो मां जगदम्बे दशमी दश अवतार दशमी दश अवतार एकादशी हर सिद्धि एकादशी हर सिद्धि काली का अवतार ओम जय हो मां जगदम्बे ओम जय हो मां जगदम्बे रूप चंडी चामुंडा चंडी चामुंडा पूनम रूप महिमा पूनम रूप महिमा पूर्ण ज्योतिकारी ओम जय हो मां जगदम्बे ओम जय हो मां जगदम्बे ताके घर बिन चाहे ताके घर बिन चाहे सुख संपत्ति आए मां दुखड़ा मिट जाए ओम जय हो मां जगदम्बे ओम जय हो मां जगदम्बे बंद करो ये जय जयकार ये ढोंग धतूरा कुछ व्यर्थ ये माता नहीं पर मनुष्यों का लहू पीने वाली चंडी बंद करो ये पूजा कौन नगर सेठ मैं हूं नगर सेठ देखो मेरी हालत देखो घर का करोड़पति आज का भिखारी बन गया मैंने सारी जिंदगी मां की सेवा की इनके माथे सोने का छत्र चढ़ाया पर मुझे मां की छत्र छाया नहीं मिली भाई मेरी एक ही एक लड़की विधवा बच गई व्यापार में नुकसान हुआ मैं बर्बाद हो गया मनुष्य अपने पूर्व जन्मों का फल भोगता है इसके लिए माँ को तो तुम दोष मत दो भाई स्वामी अपना तो सर्वस्व लुट गया मेरी ममता भी जड़ गई सेठानी अपने लाडले को क्या हो गया नाथ जवाई की चिता का अंगारा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि क्रूर का मेरे लाल को लूट के चला गया पर हुआ क्या ये कैसे हुआ खेलते खेलते कुएं में गिर गया देखो देखो देवी भक्तों देखो हमारे ऊपर देवी की दया देखो माँ माँ महाकाली तेरे दरबार में एक माँ ममता की भीख मांगने आई है मुझे मेरा लाल वापस कर दे माँ मुझे मेरा लाल वापस कर दे
नहीं तो मैं तेरे चरणों में माथा पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगी माँ। मेरा लाल मुझे वापस दे दे माँ, मेरा लाल मुझे वापस दे दे। धीरज रखो बहन, धीरज रखो, धीरज रखो। माँ के हृदय को पुरुष का कठोर कलेजा कैसे परख सकेगा? अपने रक्त से सींच के जैसे मैंने पड़क किया, मेरे लाल के हंसते हुए शब्द मुझे फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेंगे महाराज। निराधार का आधार कहाँ रोटी माँ को छोड़ के चला गया। एक बार आँख खोल के तेरी दुखी हरी माँ को आवाज दे मेरे लाल, आवाज दे मेरे लाल। ये अब नहीं बोलेगा सेठानी, ये अब नहीं बोलेगा। इस वंश की बेल को पानी देने वाला अपना लड़का ही नहीं रहा, तो अब मुझे जीने से क्या काम? माँ, माँ तेरे चरणों में अब मैं आत्महत्या करूंगा। सेठ, आत्महत्या महापाप, जीवन की सार्थकता भाग्य से लड़ने में ही है। हाथ में खींची हुई रेखाएं मिटाई जा सकती हैं, पर जो माथे चिटकी शनि की दशा है मिटनी अशक्य है। शनि दशा? मेरे माथे शनि की पनौती है और मुझे ये भोगनी ही पड़ेगी। चिंता न करो नगर सेठ, तुम्हारा दुख दूर करने को तुम्हारी पनौती में अपने माथे ले लूंगा। महाराजा विक्रम, महाराजा विक्रम। नहीं नहीं महाराज। नगर सेठ, मेरे भाग्य में लिखा हुआ लेख मैं अपने आप ही भोग लूंगा। लाखों मर जाए परंतु लाखों का पालनहार न मरे। महाराज, आपके राज में एक नगर सेठ ही नहीं बाकी कई शनि दशा से पीड़ित हुए होंगे, आप किस किस की दशा लेंगे? सभी की। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। राजा यानी प्रजा का पालनहार, प्रजा के सुख दुख का साथी। लाओ पुजारी जी, संकल्प के वास्ते जल लाओ। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मां जगदम्बे, तेरी साक्षी से मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सिर्फ नगर सेठ ही नहीं पर जैन में जिसके ऊपर भी शनि देव की पनौती हो, हर एक की पनौती मैं अपनी माथे लेता हूं। जय महाकाल। बोलो महाराजा विक्रम की, महाराजा विक्रम की, महाराजा विक्रम की। कौन है तू? मैं हूँ पनौती, सूर्यपुत्र शनिदेव, आपकी सेविका। तेरी ये दशा किसने की? उज्जैन के अधिपति महाराज विक्रम ने। महाराजा विक्रम ने? हाँ, प्रजा की पनौती उन्होंने अपने ऊपर स्वीकार ली है। तो मैं उज्जैन के ऊपर सवार होकर सर्वनाश कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उज्जैन पर महाकाली की कृपा है। विक्रम जहाँ तक उज्जैन में रहेगा तहाँ तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं उसे उज्जैन में से बाहर कर दूंगा। फिर इसकी दुर्दशा करना ये मेरा काम है। विक्रम, शनिदेव। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम करने से नहीं चलेगा, तूने प्रजा की पनौती अपने पर स्वीकारी है, उसे छोड़ दे, नहीं दूर फेंक दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा।
नहीं शनिदेव, यह संभव है। इसमें मेरी प्रजा की भलाई है। अति दुख भोगना पड़ेगा। सहन करूंगा। इतना अभिमान, तो देख अब शनि दृष्टि का प्रभाव। माँ महाकाली, जय महाकाली। ए पंका जी, बांके की छोरी बंटन के कहाँ चली? मयूरी, तू यहाँ कैसे? तुझसे मिलने आई हूँ। चल छोड़ मुझे जाने दे। नहीं छोड़ूंगी, पर मुझे राजकुमारी का सिंगार करने जाना है। राजकुमारी को फिर सिंगारना, अभी मेरे साथ बातें करना। यहाँ कोई देख लेगा तो चल, तो चल हम कहीं एकांत में चल के बातें करते हैं। मयूरी, मुझे तेरे कानों में टंकार करनी है। मुरला, तू ऐसे घाघरा ओढ़नी में कब तक मुझसे मिलने आएगा? चोली भी पहनी है ना, और तुझे खबर है, लहंगा चोली बातें करती हूँ तो किसी को वहम नहीं होता, और जो लहंगा चोली के साथ अंगरखा टकरा जाए तो भड़का हो जाए। मयूरे, भड़का हुआ? मयूरे, मेरा बाप। बाप रे बाप। अरे छोरी, तुझे जाने को देर नहीं हो रही है? जाती हूँ ना बापू। जा 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 बेटा, जा 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 रही। कहाँ जा रही? ए छोरी, क्या है? मुझे तू जानती है? अरे तुम्हें तो सारा गांव जानता है। मैं बंका जी बाका, अच्छो अच्छो का उतार दू फाका। हाँ काका। तू कौन है? मैं तो मदन बाबा की दी हूँ। धनी धनी, एक बरस पहले तो तू इतनी सी थी, और उसके पहले मैं मेरी माँ के पेट में थी। पापा, पर इतनी बड़ी तो कैसे हो गई? ये तो ऐसा है ना कि घुरे को और छोकरी को बढ़ते देर नहीं लगती हो बाबा। धनी, क्या है? बंटन के कहाँ से निकली हो? छोड़ो ना, मुझे गुदगुदी होती है। मुझे आज एक ज्योति ने कहा यूँ कि आज जो तुझे पहला वर मिलेगा वही तेरे हुक्म का गुलाम बनकर रहेगा। फिर वो वर मिला? वो तो नहीं मिला, जानवर मिला। जानवर? अरे भाई, जानवर तो मुझे यहाँ कोई नहीं देखता। पर मुझे तो दिखता है ना, वहाँ मेरे पास ही खड़ा हुआ है। जोशी ने फिर तुझे और क्या कहा? छोड़ो, मुझे खुदकुदी होती है। जोशी ने मुझे यूँ कहा कि आज मुझे जो पहला मर्द मूछों वाला मिलेगा ना, वही तेरा पति होगा, और मुझे तो तुम्हारा ही चौकटा पहले दिखाई पड़ा। ओहो, बंका जी बाका, तेरे नसीब का खुल गया टाका। तू मुझे बहुत ही मार गई। छोड़ना। अरे तेरा हाथ इतना बड़ा मूसल जैसा। वो तो है ही। अरे आराम खोर मोर्रा, तू? अरे तू मेरी छोकरी के पीछे पड़ा है, पर मुझे जानता है मैं कौन बंका जी बाका, अच्छे अच्छों का उतार दूं फाका। अब यहाँ बैठे बैठे इस ढक्कन में मुंह ढाक लो काका। बंका जी बाका, अरे तेरा तो डाला काका। ये क्यों? किसी और की नजर न लगे ना, इसलिए। तो आज संतोषी माँ से प्रार्थना करना कि मुझे मन भावन वर मिलवा दे। बेटी। हाँ बापू। उत्सव में जाने को तैयार होगी बेटी? हाँ बापू। ओहो, तो उसने इतना सिंगार पटार क्यों किया है? क्यों ना करूँ, मैं तो राजकन्या हूँ, है ना बापू? हाँ बेटी। तो करो ना, मैं क्यों बीच में पड़ू? नहीं तो लोग कहेंगे कि सौतेली माँ है, इसलिए भिखारी भेष में भेजा। माँ, मैंने तुम्हें कभी सौतेली माँ नहीं कहा। जा बेटी, खुशी से। संतोषी माँ, आई हूँ तेरे द्वार।
राजकुमारी थी पर आज मैं तुझे अपनी मन की रानी बनाऊंगा। छोड़ मुझे। याद रख, द्रौपदी का वस्त्र हटने वाले कौरव का वंश समाप्त हो गया था, पर आज तो मैं अपने वंश की वृद्धि करूंगा। तेरी लाज अब मेरे हाथ में है। मेरी लाज तो सर्वव्यापी संतोषी माँ के हाथ में है। तो फिर बुला अपनी माँ को। जय महाकाली। कामांत, एक अथाह अबला की लाज लूटने पर उतर आए। कौन है तू? मेरा आधार का आधार। मेरे पार्क के बीच से हट जा। जानता है कौन मैं? अभी मालूम पड़ जाएगा। राजकुमारी। हाँ? मुझे कहने लगा। ये तो मैं देख रही हूँ। अबला को बचाते हुए शरीर में लगे घाव तो श्रृंगार कहलाते हैं। घाव आखिर घाव है, पीड़ा दे कहीं। ऐसे कितने ही घाव पड़ते हैं जो दुखदायक नहीं सुखदायक बन जाते हैं। कवि लगते हो? नहीं, कविता का चाहने वाला हूँ। आज जाना है क्या? जंगल में पिशाच भी मिलते हैं और देवता भी। तीसरी बात क्यों भूल गई? कौन सी? यमन के वन में रमती सौंदर्य मूर्ति वन देवी भी जंगल में मिल जाती है।
पर मैं कोई सौंदर्य मूर्ति नहीं। कमल को ये कहने की जरूरत नहीं कि वह सुंदर है। कौन है आप? वही हूँ जिसके आगे दुर्भाग्य पीछे दुर्भाग्य। दुर्भाग्य? हरिश्चंद्र को भी दुर्भाग्य ने कहा छोड़ दिया था। राधे रामचंद्र जी ने कोई थोड़ा दुख झेला था। दुर्भाग्य ने तो राजा नल को स्त्री पुत्र से दूर कर दिया था। मैं जानती हूँ आपको। तुम मुझे जानती हो? हाँ, मेरे जन्म जन्म के साथ मां संतोषी मां से जैसा वर मांगा था वैसे ही तुम हो राजकुमारी। गए जन्म के मेरे नाथ, इस जन्म के मेरे पति और अगले जन्म के मेरे स्वामी। राजकुमारी, ये कौन है जिसे तो अपने स्वामी कह रही है? यही मेरे सर्वस्व है माँ। कलंकिनी, ये बोलते तुझे लज्जा नहीं आती? माँ, कलंक लगे ऐसा कोई? तुम लोग देख क्या रहे हो? कर लो इसे। माँ। राजमाता, मूली कन्याओं को फंसाने वाला लंपट, ले जाओ इसे और फेंक दो त्रंबावती के बाहर। स्वामी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। निर्लज्ज, इसके साथ जाने को तैयार हुई है? इससे मेरा भाई क्या बुरा है? माँ, तो तुम ही सुन लो, जब भी मैं जाऊंगी इन्हीं के साथ जाऊँ, वो मैं देख लूंगी। भाई नवीन, तू अभी तक यही है? पर बहन, मैं जाऊं कहां? आज कितना अच्छा रास्ता निकाला था कि राजकुमारी को तू अपने साथ यहां से ले जा सके। मैं उसे लेकर भागा तो था, पर एक साधारण मनुष्य से हार के आ गया। तू उसे साधारण समझती होगी। तुझसे कुछ नहीं हो सकता भाई, तू यहां से चला ही जा। पर मेरी राजकुमारी? उसके साथ तेरी बात पक्की करके ही तुझे बुलाऊंगी, पर अभी तू यहां से चला जा। माँ जगदम्बे, माँ। तूने आज तक मुझे कुछ दिया भी है? अरे रानी, मेरा जो कुछ है वो सब तो तुझे दे ही चुका हूँ, अब तू क्या? बहन, झुनकी का मर्द है ना? हाँ, वो झुनकी के लिए इतना लंबा हीरे का हार लेकर आया है। लाया होगा, वो तो हीरा घिसू है। वो बहन मालती का मर्द मालती को भारी बनारसी साड़ी लाया है। लाएगा, कपड़े वाला है ना? पर तू किसी दिन मेरे लिए
तेरे लिए आया। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कैसी? अरे रानी, अपने यहाँ शादी के बाद प्रेम की निशानी देते हैं, शादी के पहले प्रेम की निशानी नहीं देते, समझी? दे अपने उड़लो, सुन ले। हाँ, बोल। जहाँ तक तू मुझे तेरे प्रेम की निशानी नहीं दे पाता, तब तक मेरे पास नहीं आना। हाँ, अब इसे मैं डूब भी तो क्या डूब, अरे अब मेरा क्या होगा? लो बहन को नाराज ना करो, ये इतनी सी भेंट ले लो, लो ना। वाह मेरे तारनहार, आज ऐन वक्त तुम भगवान बन के आए हो। तू सीटी बजाए या पिफेरी, मैं नहीं आऊंगी, समझे? अरे ये देख, मैं तेरे लिए क्या भेंट लेकर आया हूँ, ले ले। मेरे लिए? अरे पर टकराती क्यों है तू मुझे? अरे 70 पीढ़ी में किसी ने तेरे यह ऐसी अंगूठी पहनी है या किसी ने किसी को पहनाई है? कितनी सुंदर अंगूठी है। ओए होए, कितनी सुंदर छोकरी है, फंस गई अंगूठी में। मोरला क्यों, क्यों मेरा मोरला क्यों? अब तो दे, पहले मुझे तुझसे लिपट जाने दे। शर्म नहीं आती? तो शर्माने का क्या है? कौन कौन? मोला भाई। हाँ, बहन को हैरान करो। अरे अभी इसे कहाँ हैरान किया, हैरान करने को तो अभी बाकी है। अंगूठी दे दो भाई, दे दो बहन। हाँ तुम कहते हो तो इसलिए दे देता हूँ। हाँ ले, डाल के तो देख, तू भी क्या याद करेगी, कोई वीर विक्रम जैसा दाता मिला था। हाँ कहाँ तू खो गई? अरे जाग जाग जाग। ये कौन है? कौन? ये है। यानी कि कौन है ये? यानी कि मेरे भाई बन रहे, सही वक्त ही आके मदद करते हैं। पर तुझे क्या काम है? तेरा काम हो गया ना, चलती हो, आप फिर बाद में कहूंगा। वाह भाई बन, सही वक्त आके मदद कर दी, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। हाँ क्या सेठ, क्या हो रहा है? मक्खी मार रहा हूँ। वाह, अरे मोरला ग्राहक ले आए हो, लाओ 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 मोरला लाओ, जल्दी ले आओ, आज का दिन सुधर जाएगा। सेठ आपको तो मक्खी में भी ग्राहक दिखता है। ये ग्राहक नहीं, इन्हें तो यहाँ काम दिलवाने के लिए लाया हूँ। अरे तुझे मैं नौकरी से निकालने का विचार कर रहा हूँ और तू इस भुक्कड़ आदमी को नौकरी दिलाने लाया है? राम राम नेमचंद सेठ। राम राम धर्म सिंह सेठ, 10 बरस बाद कैसे दुकान पर फूल पड़े? ये बात ऐसी समझो कि घर में से हुक्म हुआ कि हाथ का कड़ा, पैर की सांकनी और गले का हार चाहिए, ये इसलिए बनवाने के लिए आया हूँ। पर देखना हो 100% सोने से बनाना से। लाख टके की बात, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मोरला सेठवा से पानी लिया। लाख टके की बात? नहीं, अभी तो भरावली में हूँ। ये लो अपनी बनवाई का 50 रुपया। पर देखो गहना छठ तैयार कर देना। हाँ तो चलो, राम 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 राम। मोरला सेठ धन आया, काम आया, अब इसकी नौकरी की बात। राम 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 राम। लो सेठ ये गहने, आहा घर का जितना टूटा फूटा गहना था यहाँ सब ले आया हूँ। ये बात, इन्हें नया कर देना। और एक सेठ, नया सोना डालना पड़े तो 5 में भर देना, इसमें मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ पर ये है ना कि 450 रुपया लगेगा। हो ठीक है, ये 450 रुपए पर बिल्कुल नया कोरा लगना चाहिए। अच्छा राम राम। तब टूटा फूटा नया कोरा हो जाना चाहिए। पर लाख टके की बात ये है कि जयचंद शगुन वाले पैर का आदमी है, नहीं तो मेरी दुकान में ये टपाटप ग्राहक लोग क्यों आने लगे? राम राम से। राम राम। अरे भाई थम जा भाई। लाख टके की बात ये है जयचंद, मैंने तुझे नौकर रख लिया। मोरला बोलो सेठ, तू और जयचंद भाई दुकान संभालो, मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। शाबाश दोस्त, मैं बहुत नसीबदार हूँ, आज तेरा काम हो गया। किसकी पूजा कर रही हो? अपने मन मंदिर के देवता की। अरे वही आँख, वही नाक, वही बाल, गुरु जी ये तो वही है। कौन है तुम्हारे ये? यही मेरे मुरला के भाई बन।
मैं जानती हूँ आपको। तुम मुझे जानती हो? हाँ, मेरे जन्म जन्म के साथ। माँ संतोषी माता से जैसा मांगा था वैसे ही तुम। बोल, ये अंगूठी तुझे किसने दी भला? अरे वाह, ये तो मेरे मुरला की है। नहीं, तू भूल कर रही है, ये अंगूठी तो उनकी है। अरे तो उन्हें से मुरला ने पाई होगी। तू मुझे उनके पास ले चल, उन्हें देखने को मेरी आंखें तरस रही हैं। चल मयूरी, चल जल्दी, चल चल ना। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मंदिर दर्शन करने। कैसा मंदिर? किसका दर्शन करने? जिसके दर्शन को तुम जाती हो वो तो अभी दुनिया में से अदृश्य हो चुका होगा। माँ, ऐसा ना बोलो। ओ, तो तू उस लंपट को भूली नहीं? माँ, लड़की और देवता, इन्हें तो बस में रखना ही पड़ता है, नहीं तो सारा घर उजाड़ दें। राजकुमारी घर के बाहर न जाए, इसका ध्यान रहे। खबरदार, जो घर के बाहर पैर रखा तो जा अंदर, जा। कल्याण हो महादेव हर। आओ आओ भूदेव आओ, हर महादेव। जो है सो, नेम दिन से शुभ समाचार लेकर आया हूँ। लाख टके की बात, आजकल तो मेरे लिए सभी घड़ी शुभ है। बोलो क्या समाचार लाए हो? ये तो जो है सो, तुम्हारे साले की यहाँ 10 बरस पर पालना बनाया है। वाह 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 भूदेव वाह। ललिता, ओ ललिता, क्या है? पर इतनी चीख पुकार क्यों? ये तेरे भाई के यहाँ से पंडित आए हैं और शुभ समाचार लाए हैं, कहे कि तेरी भाभी को लड़का हुआ है। क्या? मेरे भाई क्या लड़का? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मिठाई ले आ। अभी लाई। जो है सो सेठ, सेठानी से तुमने फजूली ही कहा, मैं तो बस बधाई की काम उठाने आया था, पर ललिता बहन की भाभी ने कहलवाया है। क्या कहलवाया है? उन्होंने कहलवाया है कि ललिता बहन को भेजना नहीं। ये क्यों? इसलिए कि पहला बालक होने से पांच की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ललिता, 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 अपने यहां पालना छूले, इसलिए ललिता ने कितनी मानता मानी, पत्थर जैसे देव पूजे, बालक के लिए इसने क्या नहीं किया। अरे पान पान क्या करते हो?
बालक की बलि देगी तभी बालक होगा। ले ले चला चला। माँ बनना है तो कर दे इसके दो टुकड़े। चला खड़क। क्या सोचती हो? माँ बनना है तो चला खड़क, जल्दी कर, चला खड़क, जल्दी कर। कौन हो तुम? पापी का काल। नराधम, अपने स्वार्थ के लिए तो नरबलि देता है, अपने जीते जी इस बालक की बलि नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारा भोग चढ़ाऊंगा। पर अंधश्रद्धा रख के तू एक निर्दोष बालक की हत्या करने को तैयार हो गई। क्या करूं? लोग मुझे पांच कह के मेरा मुंह भी नहीं देखते। मेरे सगे भाई ने अपने लड़के का मुंह देखने का भी मुझे मना कर दिया। संतान की इच्छा से मैं पागल हो गई थी। बहन, तुम्हारी जैसी भोली स्त्रियों को ये पाखंडी लोग धन के लिए फंसाते हैं। कोई भी बालक की जान लेकर बालक पैदा नहीं होता। औरों की कोख उजाड़ के तुम्हारी कोख नहीं भरेगी। बालक तो प्रभु की इच्छा से ही पैदा। मुझसे भूल हो गई भाई, इस अधम पाप में से तुमने मुझे बचा लिया। भाई, अब बहन की लाश तुम्हारे हाथ में है। चिंता न करो बहन, इस बात को कोई भी जान नहीं सकेगा। मैं इस बालक को इसके घर पहुंचा देता हूं। चलो। ये रोटियां भी मुझे ही बनानी है। गांव में सभी की घरवालियां हैं। लूले लंगड़ों को कानी बहरी मोटी मिल जाती हैं। एक मेरे नसीब में ही कोई नहीं। ये कौन? भूत, भूत, भूत! ए भूत के भाई, ये तो मैं हूँ। कब से भड़बड़ा रही हूँ, खोल दे इसे। अरे मयूरी, भड़बड़ा क्यों रही है? आ जा जल्दी से, आ जा। अरे मेरी मोरनी आ गई, मोरला की मोरनी आ गई। मोरला? तेरी ये दशा? ये तो होगी, शादी करके घर में आके रोटी नहीं सेकेगी, कहाँ तक मेरी यही दशा रहने वाली है। हाँ, पर ये क्या ले आई तू? मिठाई। मिठाई अपनी शादी की? शादी की नहीं मोरला, तो आज अपनी बरसगांठ है। अपनी बरसगांठ साथ में हो गिर सकती है? तुम याद नहीं आता? नहीं याद दिलाऊं? बताओ ना। राजी, साजी, हीरालाल, प्रेम जी, कंकड़ जी, पत्थर जी, बाबा लीलाधर, हाय बप्पा, सात पीढ़ी याद आ जाए, ऐसा थप्पड़ भड़काया, ऐसे बरसगांठ मनाते हैं? याद कर है? एक बरस पहले ना मैं नदी किनारे नहाने गई थी। हाय हाय, ये दिन तो मैं किसी दिन नहीं भूलूंगा। और तू है ना वहाँ आकर सीटी बजाता था कन्हैया। फिर मैंने नदी किनारे आके तुझे एक थपकी मारी। पर रानी, वो तो थपकी थी और ये तो थप्पड़। अरे ऐसे थप्पड़ मारना होता है कहीं? उस वक्त तो मैं छोटी सी थी इसलिए थपकी मारी। अब तो मैं बड़ी हुई ना, हाय हाय, इसलिए थप्पड़। बोल दूँ और एक? नहीं नहीं बंद कर, अब ये थप्पड़ मारना बंद कब से करने वाली है? ये तो ना शादी के बाद। ओहो, जल्दी अपनी शादी हो जाए तो थप्पड़ तो बंद हो जाए। पर ये तेरा बाप शादी नहीं होने देगा और मुझे जिंदगी भर थप्पड़ खाना पड़ेगा। तेरा बाप है कि काला सांप।
अब जब बंका जी बांका मिल जाए तो ओखली में डाल के उसे कूट डालू कूट डालू। अरे अभी तूने मुझे जाना नहीं है, मैं कौन बांका जी बांका, मैं अच्छे अच्छों का उतार डालू। भागो भागो जाओ राम खोर। साला बंद करके बंदर के जैसा भाग गया। मयूरी मयूरी मैंने तुझे हजार बार कहा है कि इस हराम और मोरला के साथ तू घूमने फिरने ना जाना। हाँ ए बाका सीधा खड़ा है। अरे तेरी बापू डब्बू खा लेना। मैं बंका जी बाका। अरे गया तेरा फाका। आजा आजा तेरा बाप है या साफ। बाकी तेरी बरसगांठ बहुत भारी पड़ गई। हाँ मोरला हाँ? तुझे काम पर नहीं जाना है? काम कौन काम? हाँ दुकान पर, वो तो जैसे नहीं संभाल लिया सब, अब अपन की छुट्टी। अब मुझे याद आया मैं यहाँ किस काम से आई थी। जन्मदिवस मनाने को? नहीं भाई नहीं। तो पुजारी बाबा ने कहा है कि जयचंद भाई को मनज देना। और देख मोरला तू भूल गया ना, मैं तेरे साथ नहीं बोलूंगी। आए हाय तू रूठती है ना, तो खूब सुंदर लगती है। अरे जयचंद मंदिर पहुँच गया। जयरन छोड़ रहा है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है, बस आपकी पुजारन है। राजकुमारी आप। आपने मुझे पहचान तो लिया। त्रंबावती की राजकुमारी को कौन नहीं पहचानेगा? हाँ स्त्री को पहचानना तो आसान है, पर पुरुष को पहचानना मुश्किल है। राजकुमारी यह आपकी भूल है। हाँ मेरी पहली भूल ये कि मैं एक स्त्री हूं, फिर भूल ये कि मैं राजकुमारी हूं, और तीसरी भूल ये कि मैं किसी को बच चुकी हूं। अनजाने को वरना यह एक तरह से भूल है। तो आप स्त्री को समझे ही नहीं। हजारों वर्ष तप करने पर भी विश्वामित्र मेनका को समझ नहीं सके, तो उनके आगे मैं कौन? मेरे स्वामी मैं आपको वर चुकी हूँ। सच है कि स्त्री हट से बड़ी कोई और हट नहीं संसार में। उमा के स्त्री हट ने यज्ञ में अपनी जान हो कैकेयी की स्त्री हट ने राजा रामचंद्र को वनवासी बना दिया था, सीता के स्त्री हट ने लंका को राख कर दिया। ये सीता महलों को त्याग कर राम के साथ वन वन भटकी थी, कैकेयी ने युद्ध में राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, दक्ष कन्या उमा ने देवताओं में शमशान में से शिव को स्वीकारा था, आप ही मेरा स्वीकार कीजिए। राजकुमारी तुम भावनाओं में भटकी हुई हो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। नहीं आप वही हैं, ये अंगूठी आप ही की है। ये अंगूठी तो किसी राजा की है, मैं तो भाग्य की ठोकरें खाता एक साधारण मानव। अंगूठी तो राजा की होगी, पर ये त्रिशूल तो मां के भक्त का है। इस त्रिशूल की कसम खा के कहिए कि आप वो नहीं जिसने मुझे बचाया। राजकुमारी मैं वही हूं, तुम जीत गई और मैं हारा। मां महाकाली की साक्षी से मैं आज ही तुम्हें स्वीकार करता हूं। आपको जब मैं देखती हूं तो मेरी कल्पना में राजकुमार ही मुझे पति देखते हैं। पहली पहली रात रसिया रसिया, पहली पहली रात रसिया, अब तो मेरे संग है वो रंग रसिया, मुरजिया पिछाया आज तेरा रंग है। पहली पहली रात रसिया, अब तो मेरे संग है वो रंग रसिया, मुरजिया पिछाया आज तेरा रंग है। सज सिंगार सलोनी आओ घूंघट खोलो,
गोरी चित चुरा के मेरा कहाँ चली हो बोलो 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 कहाँ चली हो बोलो जगमगती मधुर रजनी सजनी हृदय उठी उमंग है ओ रंग रसिया मुरजिया पिछाया आज तेरा रंग है ओ पहली पहली रात रसिया अब तू मेरे संग है ओ रंग रसिया मुरजिया पिछाया आज तेरा रंग है विक्रम को जेल से बाहर करने के बाद यही दुर्दशा की है क्या? वो राजकुमारी के साथ सुहागरात मना रहा है सुहागरात हाँ पर सुहागरात के फूल ही विक्रम के ऊपर अंगारे बनकर बरसेंगे तू जा और रानी में प्रवेश करके उन्हें ज्वालामुखी बना दे के ले जाऊंगा तो इतना ही और इनाम मुझे मिलेगा तुझे यह घोर काम करने को किसने कहा राज माता ने राज माता ने हाँ ले चलो इसे नहीं ले चलो चलो छोड़ दो छोड़ दो मेरी भूल की सजा ने मत दो माँ इन्हें बचा लो मेरे स्वामी को बचा लो माँ लंगर अभी भी तेरे स्वामी कहते हैं मुझे मार डालो पर मेरे स्वामी को बचाओ दया करो माँ दया करो बचा लो कलंकिनी अब तक तो उसका सिर घर से जुदा हो गया होगा जुदा हो गया होगा आ!
आज तक मैंने कितने लोगों का सर काट के जमधाम तक पहुंचा दिया है। आज 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 तेरी बारी है, तेरी। तैयार हो जा, आज मरने के लिए तैयार हो जा। झुका गर्दन। ये मस्तक बस मां महाकाली के चरणों में झुकता है, तेरे जैसे दुष्ट के सामने नहीं। नहीं झुकेगा है? इसका मस्तक झुकाऊंगा, बस ऐसा ही पैसा, ऐसा ही पैसा, ऐसा ही पैसा। पैसा? बोल, पैसा पैसा, ये पैसा पैसा क्या कर रहा है? मां से डर, मां से डर। चुप हो जाना दान, जानता भी है ये पैसा, ये पैसा मेरे इकलौते बिना मां के लड़के के लिए है। पापू, पापू, पापू। बेटा, तुझे क्या हो गया? अपनी आंखें खोल बेटा, अपनी आंखें खोल। तुझे क्या हुआ है बेटा, बोल तो ना। पापू, बेटा बोल। ये अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्या हो रहा है बेटा, बोल। रोशनी करो। पर तुझे हुआ क्या है बेटा? पापू मुझे दिखाई नहीं देता। पापू, पापू मुझे दिखता नहीं। तुझे दिखता नहीं है बेटा, तुझे दिखता नहीं है बेटा। सब कुछ यहीं का यहीं है। अब तेरे लड़के की आंखों में पैसा भर। पैसा, पैसा, पैसे से मैं अपने लड़के की आंखें अच्छी कर दूंगा, तू देखते रहना। हाँ, तू देखते रहना। जा जाके बैंक को लेके आ, देख लेना। तेरा जोर तू देख लेना। बैंक क्या नहीं, मेरा लड़का देखने लग जाएगा, देखते। मेरे राज, मैं ये पैसे मेरे लड़के को ठीक कर दो, इसकी आंखें ठीक कर दो। अभी ठीक कर देता हूं, जरा पानी तो ला। मूर्ख, जो पैसे से सब कुछ होता तो कोई भी भगवान को याद न करता। हो पैसा, अभी खबर पड़ जाएगी, पैसा क्या नहीं कर सकता। Thank you.
बापू। बेटा देखा देखा पैसे का जोर, पैसा क्या नहीं कर सकता है? बेटा 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 कैसा है? हाँ बेटा अब कैसा है बेटा, बोलो बेटा। बापू तुम कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तेरे पास ही हूँ बेटा, नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं दिखता। नहीं बापू मुझे कुछ नहीं दिखता। तुझे क्या हो गया बेटा? दे दे। बापू मुझे कुछ नहीं दिखता, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखता। देखी माँ की लीला, पता कहाँ है तेरी माँ? तेरे लड़के की आंखें फिर से ले आ रहे, नहीं तो तेरी गर्दन बौड़ा दूंगा। तो कहाँ है माँ? माँ सभी जगह है, क्रोधी मन को नहीं दिखती, शांत हृदय से उनका नाम लो तो दिखेगी। पैसे को ही जीवन का सब कुछ मानने वाला मैं, माँ का नाम कहाँ से जानू? ये नाम जीभ से नहीं हृदय से लेते हैं, शब्द ना आए तुम्हें आंसुओं की भी सुनती है। तो मेरे बदले तू माँ को आवाज दे कि वो मेरे लड़के की आंख की ज्योति फिर से ला दे। आंखों की ज्योति लाने वाले मैं कौन? मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ और ये ज्योतिर्मय माँ तुम्हारे बालक की आंखों की ज्योति ले आ दे। तो जल्दी करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इन्हें बंधन मुक्त कर दो।
मुख से दसो दिशा आलोकित होती तेरे पावन मुख से ये सब मां की कृपा। बोलो माता महाकाली की जय। आज मेरे लड़के की आंखों ने मेरी आंखें खोल दी। आज से चोरी लूट हत्या बिल्कुल बंद। साथियों अपने अपने हथियार फेंक दो और बोलो माता महाकाली की जय। विक्रम विक्रम प्रणाम शनिदेव। विक्रम तू वचन भंग कर रहा है। कोई भी कष्ट न भोगता मां की सहायता से बच जाता है तो अब शनि का कोप उज्जैन की समस्त प्रजा के ऊपर पड़ेगा। नहीं नहीं शनिदेव मां की सहाय मैंने ली मेरी प्रजा ने नहीं। सजा मुझे दो प्रजा को नहीं। वचन दे कोई भी संयोग में तेरी जीभ मां का नाम न ले। मां तो मेरे रोम रोम में बसी है शनिदेव पर आप कहते हैं तो ये जीभ आज मां का नाम नहीं लेगी। माफ कर दो मां। मां आवेश में आकर मैंने आत्महत्या का प्रयत्न किया। मैं भूल गई थी तेरे सिंदूर से मुझे ये सुहाग मिला। इस सुहाग को कौन मिटा सकता है। बेटी लाडली तू चिंता न कर मुझे तेरा पति जरूर मिलेगा। तुम्हारा ये प्रेम तो मेरी सगी माँ की जगह पूरी करता है। माँ कचरा मुझे याद नहीं। बापू तुमने मुझे नदी में से बचाकर मेरे ऊपर जो उपकार किया ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा ना बोल बेटी ऐसा ना बोल। माँ बाप का प्रेम क्या उपकार होता है। ये तो माँ जगदम्बा की कृपा से हमको तेरे जैसी लाडली मिली। तुम मेरे ऊपर एक और उपकार करोगे क्या। मैं कौन हूँ कहाँ से आई हूँ ये किसी से मत कहना। चिंता ना कर बेटी चिंता ना कर बेटी चिंता नहीं करो। कौन दुख है भाई। मेरी जान के पीछे एक सपेरा पड़ा है। निर्भय रहे तेरी रक्षा मैं करूंगा। शक्ति से तुम उसे नहीं रोक सकोगे। तो फिर कौन सा उपाय है। आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पेट में जगह दे दो तो कृपा होगी। मेरे पेट में आ जाने से तेरी जान बच सकती हो तो आओ भाई। आओ
दुखी लगता है, रात हो रही है, तुम जाओ। पेट में से बाहर निकलो दुष्ट, दगाबाज, लानत है तुम पर। निकलता हूं, अभी निकलता। गाली क्यों देता है दुष्ट? किस लिए इन दयालु को दुख दे रहा है तू? इसे दुख देना तो हमारा धर्म है। नालायक, तू और धर्म की बात? पापी, तू कौन बड़ा धर्मात्मा है? इस नांदी के अपार धन के ऊपर बैठा है। हट यहाँ से, तो इस धन से गरीबों का उद्धार हो जाए। गरीबों के रखवाले पर तुम भंजन राजा विक्रम को दुखी करके तू गरीबों के उद्धार की बात करता है? निर्लज्ज, गाली देकर अपने मन को ठंडक पहुंचा ले। पर मुझे तो इसके पेट में ही ठंडक है, मैं तो इसके पेट में ही रहूंगा। धिक्कार है तुझे, हट। वो चैन पति, आपको दुख देने वाला वो ये गा रहा है। नहीं नहीं, इसे न मारो। अरे इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालने चाहिए। अब आप निश्चिंत रहो महाराज। तो मुझे कैसे पहचान गया? इन सांपों की बातों पर मुझे मालूम पड़ा कि आप राजा विक्रम हैं। आपके ये पैर जहां जाएं वहां बस लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। विक्रम तो आखिर मृत्यु लोक का मानव है, तू उसे दुखी नहीं कर सका। शनिदेव, सुख उनके भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य? शनि की वक्र दृष्टि पड़ते ही भाग्य भी पलटता है। पर्वत पाताल में पहुंच जाते हैं और धरती के पेट में प्रलय उठ जाता है। इस विक्रम के अस्तित्व को मैं जड़ मूल से उखाड़ लूंगा। देव, अभी तो विक्रम के सम्मान में उत्सव हो रहा है। Thank you.
के पैरों से हमारा गांव सुखी हो गया। आप यहीं रहिए, विश्राम कीजिए प्रभु। विक्रम क्या सोचता है? विक्रम ब्रह्मावती जा और अपना परिचय दे दे। ये तो राजा विक्रम है जिसे ब्रह्मावती नरेश प्रसन्नता से राजकुमारी तुझे सौंप देंगे। जा, देर न लगा, अपना परिचय दे दे। अब विक्रम, विक्रम शनिदेव आप? हाँ मैं। विक्रम, तूने प्रतिज्ञा को भंग किया है। सारे उज्जैन की पनौती अपने ऊपर लेकर तू सुख भोगता जा रहा है। शनिदेव, मैं दुख भी भोग चुका हूँ। पर तेरे दुख को सुख में पलटा देता है। भाग्य पलटाता है देव। तो आज उज्जैन की प्रजा का भाग्य मैं पलट दूंगा। नहीं नहीं शनिदेव, सबके संसार को सुलगा दूंगा। शनिदेव, मेरा कोप उतरते काल भी कांप उठे, ऐसा हाहाकार मचा दूंगा। नहीं नहीं शनिदेव, मेरी प्रजा को दुखी न कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। तो आज से इन सुखों का त्याग करके यहाँ से चला जा। आज से तू विक्रम है, ऐसा परिचय भी किसी को मत देना। जैसी आज्ञा शनिदेव।
तेरे भाई। ए राम राम। ओहो सब एक साथ में ही तेल लेने निकले हो, किसी की शादी है क्या? हाँ हम सब की शादी है। अच्छा अच्छा, भगवान सबको ये दिन दिखाए। ए राम राम। ए राम राम का बच्चा कहाँ भागता है, पहले माल निकाल। माल लो, कर लो बात, माल तो पूरा बिक गया है, खाली खड़ा है बाबा, देख लो। ए नहीं, नकदे निकाल नकदे। अरे बाबा तेली का तेल निकालने आए हो, यहाँ नकद रुपया देखा ही किसने? ये लठ देखा है। बड़ा अच्छा है, हो कहाँ से ले आए? तेरे बाप के यहाँ से। इसके लिए तो स्वर्ग गए होगे। तो बैठ, हम लोग डाकू हैं, डाकू। डाकू लोग हो? डाकू लोग हो? ये कर लो बात, तुम तो अच्छे घर के डाकू लोग लगते हो। पर भाई साहब, मेरे जैसे तेली के पीछे तुम क्यों पड़े हो? अपने जैसे कोई अच्छे आदमी को खोज लेना भैया। चुप, रुपया निकाल रुपया। भाई साहब मैं तो तुम्हारी गाय हूँ भाई साहब। नहीं नहीं, दया करो बाप, दया करो। चल रुपया निकाल। कर लो बात, मेरे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं तो तुझे अभी ऊपर पहुँचाता हूँ। अरे तू कौन है? भाई मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, पर क्यों तुम एक गरीब बेचारे की जान लेने को तुले हुए? लो ये धर्म के राजा आ गए। गरीब को ना लूटो, मेहनत करके कमाओ, भगवान ने तुम्हारे बाजुओं में जोर दिया है। अरे राका इस होशियार को जरा बाजुओं का जोर तो दिखा। डाकुओं से मेरे प्राण बचाए हैं, तेरा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई इसमें उपकार कैसा भाई, मनुष्य मनुष्य के काम ना आवे तो मनुष्यता कहाँ रही है? लो कर लो बात, तेरे जैसे और भी मनुष्यता के दिए का प्रकाश करें तो इस धरती पर स्वर्ग उतर आए। अब मैं जाता हूँ राम। ए भाई ये भागते हो कहाँ? रास्ते में मेरी भीड़ से डाकुओं की भेंट हो जाए तो मुझे त्रंबावती जाना है। त्रंबावती? डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। हाँ हाँ चलो चलो भाई, चलो मेरे बाप। अरे पर क्या है वो कौन भाई? मर गया। अरे पर क्या है ये, तो क्या आज खाना नहीं मिलेगा? अरे पर वो रानी का लंगूर और मस्का। कौन भाई? राजनाथ बहरा। राजनाथ बहरा पर है कहाँ? वो आ रहा है। मर गया। नमो नारायण। नमो नारायण। सेठ से संभाल के। ए बहरा भाई माता खाने आ पहुँचे। पहुँची पहुँची में मुझे रस नहीं, इस वक्त तो हार बनवाना है। पर कौन बाप का बनवाना है? बाप का नाना, मेरा बाप तो काब का ऊपर पहुँच गया। हाँ और तुम्हें हमारे मत्थे मार के सुखी हुआ? दुखी, बहुत दुखी था मेरा बाबा, दुखी था। वो दुखी काहे ना हो जो तुम्हारे जैसा नग पैदा भया। नग? हाँ नग तो चाहिए। नग चाहिए ना? हाँ। मेरा बेटा खुद तो नग है, नग लेने आया है, पर कितना चाहिए ये तो बोल लो। चलू? चलने को कहते हो ग्राहक को तो लो ये चला। लो जी, मेरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, पहले तो बोलते हो कि चलो और फिर कहते हो कि बैठ। नहीं बैठता। अरे बाप रे, अरे मोरला, आजकल ऐसे ही ग्राहक आते हो। वो बहरा चला गया, अपना तो नसीब फूट गया। वो जयचंद चला गया है ना, अपनी हालत तोरे मटके जैसी हो गई है। राम राम सेठ, राम राम।
लाख टके की बात राम राम फिर पहले तू अरे, राम मेरा भाई बंद चैतन आ ही गया भाई। तू गया तब से हमारा सब बंद हो गया, मकान बंद, दुकान बंद, व्यापार बंद, अरे सेठ का बोलना भी बंद हो गया। अरे बंद बंद फिर कर पहले से पानी पिला पानी। रानी रानी अरे रानी ने भेजा था इसीलिए तो आ गया। ये लाख टके की बात बाबा बोलो क्या हुक्म है। क्या कहा बोलो क्या हुक्म है। ये हार रखो और पूनम तक इसे तैयार करके रखना। और देखो सेठ इसमें नग गिन लेना नगा। गिन लेंगे भाई गिन लेंगे बाबा तैयार कर देंगे। तैयार कर देंगे। क्या कहा। अरे तैयार कर देंगे। चीख मत बहरी के मैं कोई बहरा नहीं हुआ। ना ना हम ही थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। नारायण गया। अरे मुरला ऐसे बहरे ग्राहक टकराते रहो तब तक तैयार हो जाए। नहीं टकराऊं बहुत ठोकर खाई आज तो। मोरला क्यों। अरे तू तो जंगली मोर जैसे बोलने लगा मोरला। भाई बन जो आ गया है। आ गया तो अब डर किसी बात का नहीं। अच्छा तुम दोनों दुकान संभालो मैं जरा जाके हवा खाया। चिंता नहीं सेठ अब तो हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। अरे भाई बन तू कहाँ चला गया था। इस बाजू तू गायब उस बाजू राजकुमारी गायब। क्या वो राजकुमारी महल में नहीं। नहीं तेरे जाने के बाद कौन जाने कहाँ चली गई। पर अब चिंता नहीं तू जो आ गया है ना ये भी मिल जाएगी। कौन जाने कहाँ होगी। माँ 6 महीने बीत गए। माँ मेरे बालक का क्या होगा। बोल माँ मेरे बालक का क्या होगा। बालक का भविष्य तो माँ के हाथों में ही होता। ऐसे दिन में रोया नहीं करते मेरी लाली। मैं क्या करूँ माँ क्या करूँ। बेटी तेरे पुत्र को सूरज बनाओ। कोई नहीं पूछेगा कि सूरज का पिता कौन है। बेटी सहले बेटी सहले चल दूर हट। अरे क्या करती है मजूरी। बोलना नहीं मेरे साथ। क्यों कितने दिन बाद याद आई। अरे रानी चूल्हा पानी है मेरी हड्डी हड्डी के टुकड़े हो गए और अब तू ऐसी बात करती है। तू जो भी कहे मैं तेरे साथ नहीं बोलने की। दूर हट। अरे तू ऐसी बात करेगी तो मेरा दिल पिंजरे से बाहर भटकेगा। पर तू जो ऐसी ही बात करती है तो जा आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि दूसरी पत्नी खोज लाऊंगा। पत्नी खोज लाएगा या खोज ले रास्ते में पड़ी है ना। अरे अबे शर्मा कहता हूँ मेरी तो कुछ शर्म करो बेटे। अरे भरे बाजार में तुम लोग क्या मेरी आबरू लेने निकले हो। तो फिर अपनी शेरनी को हमारे साथ शादी करने पर तैयार कराओ ना तो हम तो मिलके एक हो जाएंगे और तुम अनेक के नारा हो जाओगे। एक शर्त है। हाँ जी मैं मयूरी को लेकर दूसरे गांव रहने जाता हूँ। हाँ तो जो तुझे आना हो और मेरे घर जवाई की तरह रहना हो तो चल हमारे साथ। वाह 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 ये तो सोने में सुगंध मिल गई हो। वाह बंका जी बाका तुमने तो खोल दिया मेरी किस्मत का टाका। पैसू पैसू अरे मेरे नहीं बाप के पैसू बाप के। अखंड सौभाग्यवती हो बिटिया सुखी रहो मेरे बाप। लाख टके की बात है। वो काम आता है तो सब ओर से ना आए तो कहीं से नहीं आता। अरे ओ सुनती हो। अरे ओ ये भरी हो गई क्या। ओहो अब अपना गला क्यों फाड़ते हो। कल ये हार रानी माँ के यहाँ पहुँचा देना है और कल ही धन्यलाल सेठ के लड़के की शादी है। ये तो व्यवहार की बात है। शादी में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लाख टके की बात हुई। हम हार जयचंद भाई पहुँचा देंगे। ये भी लाख टके की बात हुई। जयचंद ये हार तू रानी माँ के यहाँ पहुँचा देना हो और रात को यहीं सो जाना। ये बात हुई काम पड़ गया। हर का ध्यान रखना। सुनिधि विक्रम कितनी सुख की नींद सो रहा है। आज के बाद नींद इसकी बहरन बनेगी। आराम अंगिन की तेज बने। तू ललिता के शरीर में प्रवेश करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। मैं अपना काम करता हूं।
जयचंद, जयचंद यहाँ आओ। जयचंद क्या बात है बहन? यहाँ आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ जयचंद। क्या काम है? मुझे भय लगता है। भय क्यों लगता है? मैं हूं ना। तुम दूर हो, मेरे पास आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो बहन। मुझे बहन न कह, आज मैं उमंगों के तूफान में चढ़ी नदी हूँ और तू इस नदी का सागर है। मुझे अपनी बाहों में संभाले। बहन, वासना की तरंगे तो क्षणिक है, मनुष्य इसमें खेल जाए तो डूब जाता है। मुझे डूबना है। भोग तो जहर है, ये जहर मुझे पीना है। आप होश में नहीं। मैं मदहोश हूँ। बहन, आप अविचारों के नशे में हो। प्रीतम, मुझे तेरे प्रेम का नशा है। मेरा हृदय तेरे साथ एक के लिए उछल रहा है। मेरा पूरा तेरे साथ एक हो जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे तरसा नहीं, आओ गले लग जाओ। सुंदर, सुशील और सभ्य दिखते पुरुष के ऊपर बलात्कार और चोरी का आरोप, मुझे विश्वास नहीं होता। निर्लज्ज, नराधम, पाखंडी, तू मनुष्य नहीं पशु है, तू अपराधी है। तेरे अपराध की सजा है मौत। मैं तुझे जीवित रखूंगा, मरा हुआ जैसा। इस दुराचारी को एक हाथ और एक पैर काटकर नगर के बाहर फेंक दो। जय महाकाली। पापी, तैयार हो जा, ले मां का नाम। वचन दे, कोई भी संयोग तेरी जीप मां का नाम नहीं लेगी। है ये मां का नाम भी नहीं लेता। मां तो मेरे रोम रोम में बसी है, पर आप कहते हैं तो ये जीव आज से मां का नाम नहीं लेगी। प्रभु, तेरी दया है। मेरे वास्ते तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कठोर राजाज्ञा होते हुए मेरे जैसे अपंग की मुसीबत माथे लेके मुझे आसरा दिया। लो कर लो बात,
इसमें मैंने कौन सा तीर मारा? अरे तूने अपनी जान के जोखिम से मेरे प्राण बचाए थे, और तू ही तो कहता था ना कि मनुष्य मनुष्य के काम ना आवे, तो मनुष्यता कहाँ रही? इसीलिए तो राज छोड़ के मैं इस गांव में आके बसा हूँ। ओहो, गंगा रानी ये सजदज करके कहाँ चली? मानी की लड़की के लड़के की छठी है, मैं पुआ बनी इसलिए नाम तो मुझे ही रखना पड़ेगा, पर क्या नाम रखूं कोई सोचता ही नहीं। अपने लड़के का नाम कालिया है ना, तो उसका लालिया रख दो। राजकुमार जैसा लड़का है, कोई अच्छा नाम चाहिए ना भाई, तुम्हें कोई अच्छा नाम बताओ ना। हाँ कुछ बताओ ना भाई। बहन, अच्छा नाम मनुष्य में अच्छे गुण लाता है। अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण। श्रवण नाम अच्छा है, माता पिता की सेवा करने वाला बालक। गंगा बुआ क्या भजन है? चल, गंगा बुआ तो तुम्हारी है, मेरी तो तिली काका है। छोकरों, ये अपनी माँ का रुहाब तो देखो, खाली हाथ लाठी चली जा रही है, और छोकरों का भार मुझे उठाना पड़ा है। अब पैदा क्यों किए? पैदा किया यानी कि ये सब क्या मैंने पैदा किया? अरे कुंवर,
भूख लगी है, प्रसाद दो ना। ये तो छोकरों को बांटता है, तुम छोकरे हो? अरे प्रसाद मिलता है तो मैं अभी नन्ना छोकरा हूँ, मुझे दो ना। ये प्रसाद नहीं, ये मेरे जन्मदिन की मिठाई है। श्रवण बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ, राजकुमारी, राजकुमारी, मेरे सच्ची राजकुमारी, मयूरी, मयूरी। वाह वाह वाह, भगवान देता है तो चप्पल फाड़ के देता है वो। राजकुमारी, राजकुमारी आप? हाँ। और ये श्रवण कुमार? मेरा बेटा। वाह वाह वाह, देखा मयूरी, माताजी मिलाप करा देती हैं तो कहाँ कितना कैसे मिलाप हो जाता है। पर बोला भाई, तूने और मयूरी ने मिलकर इतने बच्चे? ये तो अपनी मानी हुई मानता का फल है, यानी ऐसा हुआ कि शादी के बाद मैंने माताजी से मानता करी कि मेरी कोख, हाँ बाबा हाँ, इसकी कोख भर जाए। मुझे क्या खबर थी कि इन्होंने भी मानता की होगी, मैंने भी मानता की थी और हम दोनों की मानता साथ ही फैली। यानी कि एक के आने के बदले जुड़वा आए, ये दो मयूरी की कली के बघार। और ऐसी भूल तो चार चार बार की, आखिर खबर पड़ी कि ये हमारी मानताओं का परिणाम है। हमने माता जी को हाथ जोड़ के कहा कि माँ अब बस। आगे हट, पर नहीं, माँ ने सोचा कि ये तो तुमने मांगा मैंने दिया, इसलिए माँ की तरफ से घिलवा का एक और बाकी है। अरे हाँ, असल बात तो कहना भूल ही गई, तुम्हारे जाने के बाद जयचंद भाई फिर से आए थे। फिर से आए थे? हाँ राजकुमारी, मयूरी ये मुझे याद करते थे, मैं वहाँ जाकर उनसे मिलूंगी। कहाँ जाके मिलोगी, अब तो जयचंद भाई तुम्हारी खोज में कौन जाने कहाँ चले गए होंगे। कहाँ चले गए होंगे माँ, तूने मेरा सहा बचा लिया, तेरी छत्र छाया मेरे ऊपर है, ऐसे एक दया और कर देना माँ, मेरे स्वामी से मिलाप करवा देना माँ। माँ, मेरे स्वामी से मिलाप करवा देना माँ, मेरे स्वामी से मिलाप करवा दे माँ, मेरे स्वामी से मिलाप करवा दे। धीरे रखो बहन, माँ जरूर मिलाप करा देंगे तुम्हारा, तुम्हारी श्रद्धा भक्त निष्फल नहीं जाएगी। बेटा ये क्या, आज ही रोना? क्या हुआ माँ, क्यों रोती हो? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। आज खुशी के दिन में मैं तेली काका को मिठाई दे आऊं? जा बेटा। क्या आज तुझे मंदिर नहीं जाना, बहुत देर हुई है। जा। चलो राजकुमारी, अब हमें जाना चाहिए, हमें भी पहुंचना है। बोला भाई, ये तुम्हें कहीं मिले? तो लेके सीधे यहाँ तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। अच्छा चले हम लोग। हाँ मैं छोकरे गिन लूं, एक आधा नक रहेगा तो मुश्किल पड़ेगी, कोई मुस्मत थोड़ी आए हैं। मयूरी, राजकुमारी, मयूरी, तेली काका। हाँ क्यों श्रवण, कैसे आज बड़ा खुश दिखता है? हाँ काका, आज तो मेरा जन्मदिन है। हाँ मुझे आशीर्वाद तो दो। 100 बरस का हो बेटा, 100 बरस का हो, माँ बाप का नाम उज्जवल करना। ले लो मिठाई खाओ। पहले तो खा ले। तेली काका, अब मैं कालिया भाई के साथ खेलने जाऊं? जाओ बेटा जाओ। आ, 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 आ,
श्रवण बेटा। अरे सुनते हो, श्रवण को सांप ने काटा है। ए, क्या कहा? श्रवण को सांप ने काटा? अरे रे भगवान, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया। जन्मदिन पर काल को भेजा। जा, तुम जल्दी जाओ और जहर उतारने वाले को जल्दी बुला के ला। जाओ जल्दी जाओ। हे माँ, रक्षा करना माँ। श्रवण बेटा, श्रवण, श्रवण बेटा, श्रवण, श्रवण। हे माँ, मेरा श्रवण खा लिया। जहाँ जाके श्रवण की माँ को तो बुला ला। अभी जाता हूँ भाई, देर बहुत हो गई है। घर उतारने वाला तो अभी तक नहीं आया, घर तो बहुत चढ़ गया है। जरूर नहीं बहन, मैं जहर उतारता हूँ। तुम? हाँ। तुम किस तरह? जहर चूस के। नहीं भाई नहीं। बहन, नहीं। जो ये कोमल फूल फिर से खिल उठे तो मेरा प्राण देना सख हो जाएगा। सांप का जहर तो उतर सकता है, पर चूसा हुआ जहर इनके खून में मिल गया है बहन, ये मेरे मंत्र से नहीं उतरेगा। पर कुछ तो करो, कुछ तो करो। माँ, आज श्रवण के जन्मदिन पर स्वामी का शुभ समाचार मिला। अब तो मिलन करा दूं उनसे माँ। बहन, 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 बहन। क्या है बेटा? श्रवण को सांप ने काटा। श्रवण को सांप ने काटा? नहीं, मेरे श्रवण को सांप ने काटा? नहीं, नहीं श्रवण! तेली काका ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बदन का जहर चूस लिया। बेटा, मेरे लड़के की रक्षा करने वाला ये देवता कहाँ है? उन्हें तो हरि सिद्धि कुंड ले गए हैं, जहाँ का वो चमत्कारी पानी ही अब तो आखिरी आसरा है। भाई, ये है हर सिद्धि कुंड। भगवान शंकर की जटा में बसने वाली माँ गंगा लोक कल्याण के लिए इसी कुंड में अपने आप प्रकट हुई। लोक क्यों हो रहा है? ये क्या पानी लोप हो गया? माँ का कोप उतरा लगता है। किसी पापी का पैर पड़ा लगता है। पापी नहीं महापापी, किसका पैर पड़ा? नहीं नहीं, ये तो पुण्यशाली जी है। पर दुख भंजन, ये पर दुख भंजन, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं। वर्षों से ना जनता जनार्दन के पापों और दुखों को दूर कर दी। सही गंगा, इस पापी के पैर पड़ते ही पताल चली गई। हाँ हाँ, इस पापी के पैर पड़ते ही गंगा कूद गई है। हाँ हाँ, ये महा पापी है, मारो इसे, मारो। आ!
सजा कर रहे हो? एक असहाय को किस अपराध की सजा तो दे रहे हो? ये पापी है, ये पापी है तो मारो इसे। पर एक बात याद रखो, जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो वही इसे मारे, नहीं तो मारने वाले की भी यही दशा होगी। इस पापी के लिए पानी फूंक गया है। कौन कहता है ये पापी है? ये महाराज, दिखाओ तो एक महापंडित का किया है, पर एक निर्दोष की जान लेने के लिए लोगों को उकसाकर नीचता का परिचय दे रहे हैं। खामोश। एक पापी के लिए एक पंडित का बन। तुम पंडित नहीं पाखंडी हो। मेरी पत्नी मेरे सामने, मुझे पहचान नहीं सकते, और इस हालत में मैं अपनी पहचान भी नहीं दे सकता। भाइयों, इस बहरूपिया की बातों में ना आओ। मुझे बहरूपिया कहने वाले तो नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मेरी एक ही दृष्टि से सागर खड़ा उठता है, धरती धड़धड़ा उठती है। तो तुम्हारी दृष्टि सही, ये पानी सूख गया लगता है। छोटे मुंह बड़ी बात करता है, मैं तुझे भी जला के भस्म कर दूंगा। तुम आप ही क्रोध में जल रहे हो, मुझे क्या जलाओगे? मेरी शक्ति को परखना चाहता है। शक्ति हो तो इस पानी को वापस आ दो ना। पानी वापस आ सकता है पर उपाय जरा कठिन। बताओ महाराज, बताओ। लोक कल्याण के वास्ते इस कुंड में पानी लाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए मैं तैयार। तेरा भागा प्राण कोई काम का नहीं। किसी बालक का भोग इसमें चढ़ाए तो तत्काल इस कुंड में पानी भर जाए। बोलो, है कोई ऐसा बालक? है कोई? महापंडित, दूर दूर कहाँ देखते हो, यहाँ मैं हूँ तुम्हारे सामने। तू अपना बलिदान। नहीं नहीं श्रवण, ऐसा न बोल, तू तो किसी की अमानत है। नहीं नहीं, एक बालक का बलिदान देखे, मुझे जीवन नहीं चाहिए। ये तेरे जीवन का प्रश्न नहीं, बाकी लोगों के कल्याण का सवाल है। तेरी काका के माथे लगा वो कलंक धोने को मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, कौन अभागिन माँ होगी जो अपनी ही आंखों के सामने अपने रतन को यूं ही खो देगी। माँ तू रो रही है? मेरा पुत्र, आज आनंद का अवसर है माँ, फिर तप त्याग और धीरज की परीक्षा है माँ। नहीं नहीं बेटा, यूं तू न बोल बेटा, यूं तू न बोल। मुझे आशीर्वाद दो। आज लोगों का दुख दूर करने को मैं अपना बलिदान दूंगा। नहीं बेटा, नहीं, 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 नहीं। पंडित, मेरा बलिदान देकर इस कुंड में अमृत जल भर दो। जिसके पाप से पानी पाताल गया है उसके ही हाथ से बलिदान दिया जाए तो ही गंगा फिर से लौटेंगे। गंगा पाप धोने को आती है, पाप बढ़ाने को नहीं। ये बाल हत्या का अगर पाप मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, नहीं होगा तो हजारों लोगों का दुख दूर करने वाली गंगा इस कुंड में कभी नहीं आवेगी। असंख्य लोगों का दुख दूर करने को तुम्हें मेरा बलिदान करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा तेली काका। ये लो श्रवण बेटा, खड़क चलाओ। नहीं बेटा, नहीं। चलाओ तुम्हें माता मां काली की शपथ। Thank you.
पाताल का पानी फिर से भर गया। ये कौन जीवी पुरुष पानी में से बाहर आ रहा है? ये देखो कैसा चमत्कार। श्रवण, ये तो मेरे स्वामी है। मेरे श्रवण स्वामी राजकुमार। स्वामी, मुझे स्वामी दिखे, मैंने तेरी कोख को उजाड़ा है। तेरी ममता के ऊपर शस्त्र चलाने वाला पापी हूं। पुत्र के बलिदान से मिले हुए शरीर को तेरी आत्मा सदा चिक्कारती रहेगी। माँ, ये कैसा मिलन है? पति मिले तो पुत्र गया। श्रवण, मेरे लाल श्रवण, स्वामी। देवी दुखी न हो, ये पर दुख भंजन उज्जैन पति महाराजा विक्रम सबके दुख दूर करेंगे। महाराजा विक्रम, महाराजा विक्रम, महाराजा विक्रम, मेरा पति स्वामी। देवी, महाराजा विक्रम महाकाली के परम भक्त हैं। इनकी जीभ पे मां का नाम आते ही तुम्हारा पुत्र तुम्हें फिर से मिलेगा। क्या? मेरा श्रवण मुझे फिर मिलेगा? बोलो, मेरा श्रवण मुझे फिर मिलेगा? स्वामी, आप अपना पुत्र फिर से मांग लो। जल्दी प्रार्थना करो, मां का नाम लो स्वामी, मां का नाम लो। तो वचन में कोई भी संयोग में ये जीभ मां का नाम नहीं लेगी। महाराज देर न करो, हमारे श्रवण के लिए मां से प्रार्थना करो। और दुख भंजन मां की याद करो, मां की याद करो, मां आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। क्या विचार कर रहे हो स्वामी? मां से प्रार्थना करो कि मां मेरा श्रवण फिर से दे दे मुझे। अरे रे रे रे, इन्होंने तो छुरी उठा ली। मैं अपने पुत्र के वास्ते अपनी प्रजा को दुखी नहीं करूंगा। उज्जैन का सर्वनाश नहीं होने दूंगा, अपनी जीभ काट के फेंक दूंगा। मां का नाम लेने के बदले अपनी जीभ काट डाली। वचन भंग किया है, अब उज्जैन के ऊपर शनि का कोप उतरेगा। उज्जैन पर कोई कोप नहीं उतरेगा शनिदेव। माता,
सच कहती है शनिदेव, विक्रम वचन मुक्त है। पनौती का समय आज पूरा हुआ। नहीं, पनौती का समय पूरा नहीं हुआ राजकुमारी। हाँ शनिदेव, तुम्हारी पनौती के लिए मैंने अपने लाल को खो दिया है। वो जहाँ तक वापस नहीं आएगा तहाँ तक पनौती पूरी हुई नहीं कहलाएगी। तुम सच कहती हो। श्रवण बाहर आओ, श्रवण बाहर आओ। बाहर आओ श्रवण। मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मुझे भय लगता है। श्रवण तू निर्भय रह, बाहर आओ। ये तो राजकुमार है। अरे जिसने बलिदान दिया ये तो वही है। श्रवण मेरा लाल बेटा। ओहो शनिदेव, तुमने भी भेष बदल लिया ना? नहीं नहीं श्रवण बेटा, शनि महाराज तो ऐसे देव हैं कि जिनकी परीक्षा में पार उतर के मनुष्य खरा बनता है। प्रणाम कर बेटा। प्रणाम शनिदेव। शनि महाराज, जैसी मेरी परीक्षा दी है ऐसी परीक्षा बाकी किसी की भी ना लेना, किसी को भी ऐसा दुख ना देना। विक्रम तो सच्चा पर्दुभंजन है, तेरी कीर्ति अखंड रहे। माता महाकाली की जय। ओम मरो तमे मां, ओम मरो तमे मां, पूर्ण ज्योति कारे मां।